वेलकम बैक। आजकल मेट्रोज में हर इंसान अपनी अलग पहचान के लिए भाग रहा है। इसी भागदौड़ को रुपहले पर्दे पर उतारा है अनुराग बासु ने अपनी अगली फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में। फिल्म में कोकड़ा सेन भी एक किरदार के रूप में नजर आएंगी। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, तेज थ्री, ओमकारा और ट्रैफिक सिग्नल जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बना चुकी कोकड़ा सेन इस बार नजर आएंगी अनुराग बासु की लाइफ इन मेट्रो में, जहाँ वो ढूंढ रही है अपने मिस्टर राइट। Shruti someone who is generally successful in life and she's got a job, she shifted to Bombay, she's living on her own, but she feels incomplete because she's not met the right man. Shaadi.com par Kunkna ko milte hain unke Mr. Right, yani ki hamare Irfan Khan, jiske saath ye unki dusri film hogi. Kunkna apne ab tak ke career mein Rahul Bose, Saif Ali Khan jaise kalakaron ke saath kaam kar chuki hain, lekin jab Irfan ke bare mein baat hui to khud ko rok na sake Kunkna. Irfan Khan is one of the best actors ever and I love working with him because I think he's just a genius. He can make any scene work and he can make any actor look good. नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में करने के बाद भी कोंकणा को लगता है कि फिल्में चुनना बड़ा ही मुश्किल काम है। You can't always tell beforehand, so I think it's always a little bit of a gamble. Having said that, I work largely by instinct. I just see if I get a good feeling about a film or not. So because I'm not sure how else to go by. कोंकणा, आप चाहे जो भी कहे, आपके फैसले होते कमाल के हैं। तभी तो सितारों के इस भीड़ में आपने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। सीटीवी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मी साक्षी, आपण पाहताय झी 24 तास, बातम्या खास 24 तास। मनोरंजन विश्वातल्या खुसखुशीत चटपटीत घडामोडी चस्का मस्का। पूर्वे मेट्रोचा प्रीमियर गुरुवारी रात्री मुंबईत झाला। यावेळी शर्मन जोशी आणि के मेनन वगळता चित्रपटातले सर्व प्रमुख कलाकार उपस्थित होते। मेट्रो काउंटलेस इमोशन्स, लाइफ इन अ मेट्रो या नावातच या चित्रपटाचा मतितार्थ आहे। उत्तम संगीत, पात्रांची निवड, चित्रपटाचा धडाकेबाज प्रमोशन यामुळे आधीच औत्सुक्याचा विषय बनलेला या चित्रपटाचा प्रीमियर गुरुवारी मुंबईत पार पडला। त्यावेळी उपस्थित होती या चित्रपटातली स्टारकास्ट, अर्थात शिल्पा शेट्टी, शायनी अहुजा, इरफान खान, कोकणा सिंग शर्मा आणि कंगना रानावत, के मेनन आणि शर्मन जोशीची अनुपस्थिती आणि त्यातूनही केकेची अनुपस्थिती हा चर्चेचा विषय। शायनी आणि केके मधल्या कोल्ड वॉर मुळेही असेल कदाचित। जिंदगी में एक सब थोड़ी कमी है क्योंकि जिंदगी में सही किस्म की लड़की नहीं आई जो वो चाहते हैं और वो ढूंढ रहे हैं, उसे शादी करना चाहते हैं तो वो कुछ इसमें बिलीव नहीं करते कि पहले प्यार हो फिर शादी हो। वो एक आम आदमी इतना शादी करना चाहते हैं। इस फिल्म में इतना सीरियस रोल नहीं है। आई एम ग्लैड बिकॉज आई ऑलवेज पीपल टेल मी यू आर सच अ सीरियस एक्ट्रेस, वेरी इंटेंस रोल्स एंड आई वांटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स ऑल्सो, यू नो, नॉट जस्ट वन टाइप। सो दिस इज ऑन द कॉमिक साइड। चित्रपटाला लाभलेलं उत्तम संगीत आणि याचा मानकरी प्रीतम आणि त्याचं बँड। आय हॅव बीन अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म अँड अनुराग इज माय व्हेरी व्हेरी डिअर फ्रेंड अँड आय एम इन आय थिंक ही इज अ व्हेरी व्हेरी टॅलेंटेड डिरेक्टर। आय हॅव गॉट व्हेरी व्हेरी गुड रिव्ह्यूज अबाउट द म्युझिक अँड आय हॅव देर हॅज बीन नाईस थिंग्स, पीपल लाईक द म्युझिक व्हेरी मच। यावेळी shaadi.com या संकेतस्थळानं आयोजित केलेल्या स्पर्धेच्या विजेत्यांना मेट्रोचे प्रीमियर पाहण्याची संधी मिळाली। Registering shaadi.com was one, getting a perfect match was the other, and trying to get a perfect match for Irfan and that to Kongkana, two great actresses, two great exponents of the art of histrionics, was a superb experience and I consider myself very lucky to be on stage here meeting Irfan and looking forward to Kongkana coming next.
या चित्रपटात आहेत बॉलिवूडच्या अनेक सेलिब्रिटीज, उत्तम संगीत, नात्यांची गुंतागुंत आणि त्यातून धडपडणारा शहरातला माणूस, अर्थात या चित्रपटाला आहे वास्तविकतेचा स्पर्श. झी 24 तासासाठी रेणुका जोशी, मुंबई. या सुरेल बातमीसह चस्का मस्का मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया थोड्याच वेळात ताज्या बातम्यांसह. प्रत्येक बातमी असेल खास, पाहत रहा झी 24 तास.